हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज एवरेज। आज की क्लास में हम एवरेज के टॉपिक को पढ़ेंगे। एवरेज क्या होता है? सबसे पहले हम एवरेज के फॉर्मूले को जानेंगे कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द वैल्यूज, मतलब जितनी भी वैल्यू दी होती है उसको हमें सम करना है, मतलब एडिशन करना है, और फिर उसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ द वैल्यूज, मतलब जितनी वैल्यू दी गई है उसके नंबर से हमें उसे डिवाइड करना है। अभी आप नहीं समझे होंगे, अभी हम आगे समझ अप करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ हमें निकालना है एवरेज, और हमें क्या दे रखे हैं? वैल्यू दे रखी है, क्या है? 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो हम क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए? सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द वैल्यूज। तो टोटल वैल्यूज, हमारी वैल्यूज क्या है ये, तो हमें इसका क्या करना है? सम करना है। सम करने के लिए हम क्या करते हैं? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। तो हमने क्या किया? इनका सम कर दिया। सम करने के बाद हमें क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ द वैल्यूज। तो नंबर ऑफ द वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी नंबर ऑफ द वैल्यूज है? 6। ठीक है ना? सबसे पहले हमें क्या करना है? सम ऑफ द वैल्यूज, मतलब कितनी वैल्यू, जो टोटल वैल्यूज है, जितनी भी वैल्यू है उन्हें हमें क्या करना है? एडिशन करना है, सम करना है। फिर हमें उसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ द वैल्यूज, मतलब टोटल वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी वैल्यू है? नंबर ऑफ वैल्यूज 6। तो हमें क्या करना है? इन सबको एडिशन करना है, 6 से डिवाइड करना है। ओके, तो हम जब इन सबको एड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 105/6 ये आ गया। अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके हम देखेंगे साइड में। 105 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 वन जा 6 हो गया, है ना? उसके बाद 10 में से 6 गए 4, ऊपर से हमने 5 लिया, अब क्या होगा? 6 सेवन जा 42। तो कितना रह गया हमारे पास? 3 रह गया। अब आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगा लेंगे, तो 6 5 जा 30 हमारा पूरा चला गया, और हमारा आंसर क्या आया इसका? 17.5। तो हमारा एवरेज क्या निकला है? 17.5। तो एवरेज निकालने का तरीका आप समझ गए। सबसे पहले हमें क्या करना आता है? सम ऑफ द वैल्यूज। सम ऑफ द वैल्यूज क्या है हमारी? ये जितनी भी वैल्यूज है इनको हम सम करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे, अपॉन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द वैल्यूज, मतलब जितनी टोटल वैल्यूज है उनके नंबर को काउंट करेंगे कि वो कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी वैल्यूज है? 6। फिर हमने इसको एडिशन किया तो हमारा 105/6, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ गया? 17.5। ये क्या निकल गया? हमारा एवरेज निकल गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर। मतलब हमें क्या निकालना है? फाइंड द एवरेज। एवरेज निकालना है हमें किसका? ऑल ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर्स का, बिटवीन 20 एंड 40। मतलब 20 से 40 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होते हैं उन सबका हमें एवरेज निकालना है, और फिर हमें बताना है कि इज द एवरेज एन ऑड और इवन नंबर, कि क्या एवरेज जो निकला है हमारा वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20 से 40 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है हमें। ठीक है, 20 से 40 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 21 होता है, 23 होता है, फिर 25, 27, फिर 29, 31, 33, 35, 37 और 39। तो ये सभी क्या निकले? हमारे ऑड नंबर। अब टोटल जितने नंबर्स हैं उसको हमें बताना है कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितने हैं? 10। इन सभी को प्लस कर लेंगे हम। ओके, आप प्लस करके देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि प्लस करके कितना आएगा। 300 कितना आ जाएगा? 300। आप इन्हें सबको एडिशन करके देखिएगा कि 300 आया या नहीं आया। ओके, टोटल नंबर हमारा कितना है? 10। टोटल नंबर हमारा कितना है? 10।
अब क्या करेंगे, 10 को हम इससे डिवाइड कर लेंगे, तो 10 को 30 से डिवाइड करें, सीधा सा है, 10 से 10 कट गई, तो हमारा क्या आ गया, इसका एवरेज 30 आ गया। और 30 क्या होता है, इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है? क्या होता है? इवन नंबर होता है, इवन नंबर। तो हमारा क्या निकला, इट इज इवन नंबर। ये क्या है, एक इवन नंबर है। समझ गए यहां तक? हमसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑड नंबर के बी को हमें एवरेज निकालना है, तो ऑड नंबर हमारे निकाल लिए हमने 20 से 40 के बीच में, ये सभी हमारे ऑड नंबर हैं, इनका सम हमने किया, एवरेज निकालने के लिए हमें उसका सम करना पड़ता है, अपॉन में हमें क्या लिखना होता है, कितने नंबर्स हैं वो लिखने होते हैं, तो टोटल नंबर्स हमारे कितने थे, 10 थे। ठीक है, हमारा जो टोटल करके आया वो 300 आया, और 10 नंबर्स थे, हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 30 आ गया। अब हमें बताना था कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है जो हमारा एवरेज निकला है, तो इट इज इवन नंबर। ये क्या है, इवन नंबर है। ओके बच्चों, तो आपको आज का नंबर, आज का जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, एवरेज का चैप्टर। घर में आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।